200 करोड़ से ज्यादा डोज हमर भारतवासी मन के दे के इतना ही नहीं, पहली बार ये हो इसकी 100 देश से ज्यादा देश ला हमर प्रधानमंत्री जी कोविड के वैक्सीन भी भेजिस। तो ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी ही कर सकत है। गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ गरीब मल्ला 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अतिरिक्त राशन दे के काम, और अब ये गरीब कल्याण अन्न योजना के अवधि और बढ़ गए है 2028 तक 5 साल और बढ़ा दे है। ये हमर नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ही कर सकत है। आज ये 9-10 साल में हमर छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा विभिन्न योजना में मोदी जी हर पैसा दे है, लेकिन कई काम हर पिछले 5 साल में रुक गए रहीस। अब छत्तीसगढ़ के जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद दे है, प्रचंड मतों से जिताए है। मोदी की गारंटी जो हमन घोषणा पत्र लाए हन, वहां छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए चिंता है, हर वर्ग के लिए वादा है। और मैं आप मल्ला मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के दौरान जैसे हमर प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ में आके कहे रहीस कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम गरीबों का पक्का का मकान देने का करेगा। पिछले 5 साल में 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान के काम रुक गए रहीस। कितना बड़ा अन्याय गरीब मन के साथ में, अधूरा मकान के अगला किस्त नहीं मिलीस, आज तक उमन मकान नहीं बना पाए हैं। लेकिन आज गर्व के साथ मैं आप मल्ला बताता हूं कि शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में हमने निर्णय ले ले हन कि अब 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान अब बनी। और मोदी के गारंटी में जो जो भी वादा करे हन, किसान मन के धान के कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल, 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान के खरीदी, ये सब काम और हो ही। 2 साल के बोनस 25 दिसंबर जो हमर पूर्व प्रधानमंत्री, हमार छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन है, वो दिन हमन 2 साल के धान के बोनस भी किसान मन के खाता में ट्रांसफर करबो। तो ये सारा काम जो भी हमन मोदी की गारंटी में कहे हन, आप मन के आशीर्वाद से 5 साल में पूरा करबो। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये 26 जनवरी 2024 तक चलने वाला है, करीब 40 दिन की यात्रा होगी और 180 से ज्यादा ये रथ हर ग्राम पंचायत तक पहुंची, शिविर लगी, विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो, सीएस वो सब ला विस्तार से बताई से। और एक तरह से भारत सरकार के जो भी योजना है वो सब के जानकारी निचले स्तर तक यात्रा के माध्यम से मिली। लेकिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन से भी आग्रह करना चाहूं, हमर सभी जनता जनार्दन से, जनप्रतिनिधि मन से, कि आप मन के जिम्मेदारी भी बनते कि जो भी हमर प्रदेश में जरूरतमंद है, जो जो भी योजना के वो सब ला, वो योजना के फार्म भराना है, जो भी करना है और उमन के लाभ दिलाना है, और सब मिलके ये छत्तीसगढ़ ला हमने के विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित करे में कामयाब हो, ऐसा आप मन से आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री के नाते मैं आप मन से अपेक्षा करत हूं। और ज्यादा नहीं बोलते हुए, चूंकि समय होगी से, अब हमन हमर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिला वर्चुअली सुनबो। एक बार फिर मैं आज के अवसर में
आप मन के अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपन बात लांत करत हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और काबर के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन अब ऑनलाइन वर्चुअल शुरू होने वाला है। हम सभी मंचस्थ अतिथि मन से निवेदन करथन के दर्शक दीर्घा में जो आपके स्थान बने हुए वहां आप मन अपन स्थान ले लेवा।